नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम। एंड जो सीरीज हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था, सेकंड वीक जिसका मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूं, और ये वृषभ लग्न के लिए है दिस फोरकास्ट फॉर द कमिंग वीक, 22nd of February 2021 to 28 to 2021। कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता? पिछले बार हमने जो प्रेडिक्शंस किए थे उसके हमारे पास फीडबैक आए हैं, फीडबैक वाज वेरी वेरी एनकरेजिंग, सो आई बी एनकरेज्ड एंड आई होप टू कंटिन्यू विद दिस यू नो सीरीज। एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टू वॉच इट, इससे लाभ उठाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वंस अगेन दिस इज लग्न बेस्ड, दिस इज नॉट राशि बेस्ड। तो देखिए इस बार थोड़ी हमने लैंग्वेज भी चेंज कर दी है, हमने लिखा है लग्न अनुसार साप्ताहिक भविष्य पल, वीकली फोरकास्ट एज पर योर लग्न। तो वी आर टॉकिंग अबाउट वृषभ, टॉरस लग्न की हम बात कर रहे हैं, ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। सी टॉरस लग्न इज वन ऑफ द लग्न जिसके वन ऑफ द 12 में से 3-4 लग्न ऐसे होते हैं जिनके मैलिफिक प्लैनेट्स, फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स जो है ना 5 होते हैं, शुक्र, गुरु, मंगल, राहु, केतु, तो सबके लिए माने जाते हैं। और इस हफ्ते जो पिछले हफ्ते से चेंज हुआ है, टू प्लैनेट्स यू नो दे हैव चेंज देयर पोजीशन, वीनस वन ऑफ द अशुभ ग्रह जो माना जाता है वृषभ लग्न के लिए, वो आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में चला गया है, 10th हाउस में जाकर के बैठ गया है। और मंगल जो है जो आपके 12वें भाव का स्वामी है, वो आपके लग्न में बैठ गया राहु के साथ। सो द वीक यू नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग मैं नहीं कह सकता हूं कि होगा। हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मंगल राहु के साथ कॉम्बिनेशन जो होता है वो वैसे बड़े टेंशंस देता है ना, मेंटल टेंशंस देता है, क्योंकि आपके लग्न में बैठा हुआ है और 12वें भाव का वो स्वामी है, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट यू नो कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो, कुछ हेडेक हो, माइग्रेन हो, और अगर ज्यादा सिवेरिटी है, डिपेंड करता है मंगल आपके हॉरोस्कोप में कैसा है, तो फिर ये हॉस्पिटलाइजेशन भी करवाता है, और 12th हाउस का स्वामी होने के चलते हॉस्पिटलाइजेशन का साथ खर्चे भी कराता है। तो दैट्स नॉट गुड न्यूज दैट आई एम गिविंग यू। प्रोफेशन भी थोड़ा डिस्टर्बड हो गया, बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा था। डेफिनेटली आपके प्रोफेशन का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो आपका बैठा है 9th हाउस में, बट इट्स नॉट वेरी वेल प्लेस्ड बिकॉज इट इज अलोंग विद जुपिटर, और द डिस्टर्बिंग पार्ट इज वीनस हमने बताया, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। सन डेफिनेटली वेल प्लेस्ड है, बट वीनस के साथ अभी तो नहीं, वीनस हैज जस्ट एंटर्ड योर 10th हाउस, लेकिन जैसे जैसे वो सन के साथ उसकी युति होगी, ऑलमोस्ट अभी युति है, दोनों एक साथ ही हैं, तो इट यू नो इट कास्ट एन एस्पेक्ट ऑन योर 4th हाउस ऑल्सो। तो 4th हाउस पर एस्पेक्ट कास्ट करने से थोड़े से आपके डोमेस्टिक पीस को, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को तकलीफ पहुंचा सकता है, माता जी को की सेहत पर कुछ जो है असर खराब हो सकता है। सो ऑल दैट यू हैव टू यू नो गार्ड अगेंस्ट। मूवमेंट ऑफ द मून तो ठीक है, मून देखिए आपके दूसरे भाव में मून जो है मूल त्रिकोण राशि में रहेगा हफ्ते के बीच में, तो मेक द बेस्ट ऑफ इट। एंड मार्केटिंग से संबंधित अगर आप कुछ काम करते हैं, आईटी से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो मिड वीक में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और इफ यू यू नो यू सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू नॉट लॉन्च अ प्रोजेक्ट, लेकिन अगर कुछ उसमें कुछ आपका चल रहा है काम या इनिशिएट करना है, इनिशिएटिव का भी हाउस होता है 3rd हाउस, जिसमें कि मून रहेगा आपका मिड वीक में, तो आप वो काम को स्टार्ट कर सकते हैं। हेल्थ एंगल आपका वीनस जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, बी वेरी वेरी केयरफुल। तो एनी एलिमेंट रिगार्डिंग which is connected with the 10th house, 6th house, जैसे घुटनों में चोट वोट लगने की आशंका जो है वो बनी रहेगी। बच्चों के तरफ से, बच्चे के तरफ का जो है
मरकरी मरकरी आपका जो है इट इज इन कंजंक्शन इट इज इन कंजंक्शन विद द लॉर्ड ऑफ योर एट्थ हाउस. जुपिटर आपका सबसे अशुभ ग्रह है टॉरस लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लिए. गुरु को माना जाता है, बृहस्पति को माना जाता है, और उसके साथ में जो है आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है बुध, वो बैठ गया है बुध. तो बच्चों के पक्ष को थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, उनको वार्न करके रखना है कि बेटे आप लोग थोड़ा होशियार रहो. तो नॉट वेरी गुड, यू नो, कुछ सम डिस्टर्बिंग न्यूज रिगार्डिंग चिल्ड्रन कुड बी रिसीव्ड बाय यू. स्पेकुलेशन तो बिल्कुल मत कीजिएगा. स्पेकुलेशन मतलब शेयर मार्केट में सट्टेबाजी में बिल्कुल ही कुछ अभी इस हफ्ते. जस्ट होल्ड इट बैक, यू नो, मर्करी विल बी सून लीविंग द नाइन्थ हाउस एंड एंटरिंग द टेंथ हाउस. उसके बाद फिर थिंग्स विल स्टार्ट लुकिंग अप, क्योंकि अभी मर्करी जब तक बुध आपका गुरु के साथ बैठे हुए हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोजिशन बेटर होगी. लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है. और केतु आपके पत्नी आपके स्पाउस पत्नी नहीं स्पाउस आपके पार्टनर के हाउस में बैठा हुआ है, विच इज नेवर अ गुड साइन. हालांकि उच्च का है, राहु भी उच्च के हैं, केतु भी उच्च के हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपके ओरिजिनल हॉरोस्कोप में उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उस पर वो कैसा फल देते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा हफ्ता आपके लिए नहीं लग रहा है, क्योंकि एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं है. एस्पेक्ट्स शुक्र आपके जो हैं एक अशुभ ग्रह आपके चौथे भाव को, हाउस ऑफ डोमेस्टिक पीस को देख रहा है. गुरु जो है वो आपके लग्न को तीसरे को नौवें भाव में तो बैठा ही है, कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं. मंगल आपके चौथे भाव डोमेस्टिक पीस के भाव को देख रहे हैं और सातवें को देख रहे हैं. साथ आपके स्पाउस का जो है, स्पाउस का या बिजनेस का या बिजनेस पार्टनर का जो है वो घर होता है, तो थोड़ा सा इससे डिस्टर्बेंस मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है. थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना है. और आठवें भाव को भी मंगल देख रहा है, तो इससे आठवें भाव को जब मंगल की दृष्टि होती है तो थोड़ा चोट वगैरह लगने की, एक्सीडेंट वगैरह लगने की, और खास करके लग्न में चूंकि बैठ गए हैं वो, और वो भी राहु के साथ, तो बी वेरी वेरी केयरफुल. गाड़ी वाड़ी देख करके चलाइएगा एंड डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क, जस्ट बी रिलैक्स दिस वीक. कोई नए इनिशिएटिव्स मत लीजिएगा. इट्स नॉट अ वेरी वेरी जिसको कहते हैं हम वेरी बहुत अच्छा हफ्ता इसको हम नहीं मान रहे हैं आपके लिए. तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है. प्लीज टेक केयर एंड आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट योर फीडबैक, यू नो. और उपाय तो मैंने जो पिछले बार बताए थे वही उपाय चलेंगे आपके. आपको वृद्ध औरतों की जो है मदद करनी है. पक्षियों के लिए वरेंडे में या बालकनी में पीले रंग का कोई भी मीठा, जैसे लड्डू वगैरह पीले रंग का है, वो डालना है. और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है. स्ट्रीट डॉग को आप खाना अवश्य खिलाइए. बूढ़े बुजुर्गों की मदद कीजिए. लेपर कॉलोनी में कभी जाने का मौका मिले तो जाकर के कोढ़ियों की मदद कीजिए. सो हैव अ नाइस वीक. इट्स नॉट वेरी प्रॉमिसिंग बट देन प्लीज आप टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीक एंड यू गिव मी योर फीडबैक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.